नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल धीरज एम एस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज क्लास टेंथ की पहली एक्सरसाइज 1.1। तो उसका पहला सवाल देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी मासा ज्ञात करने के लिए यूकिल्ड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब देखिए, यूकिल्ड विभाजन एल्गोरिथम होती है और एक तो HCF यानी मासा निकालने की ये विधि होती है। तो ये रफ कार्य है और ये हम यूकिल्ड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं। इसमें अगर दो संख्या है तो उसमें सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 225 तथा 135 पर एल्गोरिथम यूकिल्ड एल्गोरिथम प्रयोग करने पर। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या ही इधर लिखी जाती है, 225 बराबर 135। अब देखिए, अब यहाँ पर इधर समझिए, 135 से जब हम भाग देंगे 225 पे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 135। अब क्या करेंगे, 0, 12 में से 3 गया 9, अब 90 शेष आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 135 गुणे 1 यानी 135 एकम 135, फिर 90 जोड़ देंगे तो वो 225 के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो रिमाइंडर शेष है R बराबर 90, जो बराबर नहीं है किसके, 0 के, यानी रिमाइंडर जो है 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के अगर बराबर हो जाता तो यही हमारा आंसर हो जाता, ध्यान रखना जिससे भाग देते वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर जब 90 आया, अब देखिए क्या करेंगे, फिर जब 90 से भाग देंगे किसको, 135 को, तो अब ये पहले ये दो संख्याएं थी, अब ये दो संख्याएं हैं 90 और 135। लेकिन सबसे पहले इधर किसको लिखते हैं, बड़ी, फिर लिखेंगे 135 तथा 90 पर यूकिल्ड पर में यूकिल्ड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो अब इधर सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे, बड़ी, 135 बराबर 90। अब देखिए 90 का पारा कितनी बार जाएगा, 90 एकम 90, अब कितना बचा, 5, 13 में से 4 9 गया 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 एकम 90 यानी 90 की गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस कितना, 45। अब क्या करेंगे, अब ये जो 45 शेष आया ना, यानी रिमाइंडर कितना आया, 45, जो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब सवाल और लगेगा। तो अब 45 से भाग देंगे किसको, इस 90 को, यानी आपको ये भाग देते रहना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब यहाँ पर कौन सी संख्या, 45 और 90, यानी जो यहाँ पर रिमाइंडर और ये जो भागफल बचता है या जिससे भाजक होता है उसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 तथा 45 पर यूकिल्ड प्रमेय, यूकिल्ड प्रमेय का प्रयोग, तो लिखेंगे यहाँ पर 90 बराबर 45। अब देखिए इसका जब हम गुणा, 45 दूना 90, अब पूरा गया कट। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 45 दूना 90 और शेषफल कितना आया, 0। अब देखिए यहाँ पर शेषफल हमारा आ गया 0, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब यही पर हमारा सवाल ख़त्म, और HCF किस कितना आएगा, जिससे हम भाग देते हैं ध्यान रखना वही हमारा HCF हो जाता है। HCF कितना आ गया, 45, यही हमारा आंसर हो गया। अब एक बात और बता देते हैं कि HCF यानी मासा क्या होता है। तो देखिए, जब कभी कभी ऐसा सवाल दिया होता है 135 बटे 225, तो हम तुम क्या करते हैं, पहले इसको मान लेते हैं किसी संख्या से, 5 से मान लो काट दे, तो कितना आ गया यहाँ पर, 5 दुनी 10 और 3 बच्चा 5 सत्तर 35, फिर यहाँ पर 5 चक्कू 20, 25। फिर देखते हैं किसी न किसी संख्या से कट रहा है, 9 से काटते हैं, 9 त्रुक 27 और 9 पच्चे 45, आंसर आ गया हमारा 3/5। यानी कई बार काटते हैं, अगर यहाँ से 9 से ना काटते, 3 से काटते, फिर एक स्टेप बढ़ जाता। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे जब कभी कभी सवाल दिए होते हैं 135 और 225 और सवाल ये कह देता है बड़ी से बड़ी संख्या आप बताइए जिससे या पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो वो ये जो 45 आंसर आया है
यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। देखिए इसके बाद दोबारा आपको काटना नहीं पड़ेगा, 45 तिया 135 और 45 पंचे ठीक 225, यानी आपको दोबारा नहीं काटना पड़ेगा। ऐसे क्या 15 से काटते, 15 नवा 135 और 15 एकम 15, 15 पचे 75, फिर 3 से काटते 3 पचे, आंसर यानी 3/5 ही आएगा। लेकिन अगर आप एचसीएफ यानी मासा निकाल लेते हैं तो हमें वो संख्या पता चल जाती है जिससे अगर आप एक बार भाग दे दो तो दोबारा भाग नहीं देना पड़ेगा। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं 196 और 38220। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो बड़ी संख्या लेते हैं, तो लिखेंगे 38220 और 196 पर यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो देखिए सबसे पहले तो हम 38220 इधर लिखेंगे, फिर लिखेंगे 196। अब देखिए हमने यहाँ पर रफ पर यूज किया है, 196 से भाग देंगे तो 195 आया, यानी ये आया हमारा भागफल, यानी 196 की गुणा अगर हम 195 से कर देते हैं तो ये हमारा बीच वाला आ जाता है, यानी 196 गुणे 195। अब कभी कभी स्टूडेंट क्या कर देते हैं, एचसीएफ इसको लिख देते हैं, एचसीएफ जो कि किसको कहते हैं, जो इधर से जब भाग देते चले जाए, यानी जहां पर फाइनल हो जाए, यानी रिमाइंडर जीरो आ जाए, रिमाइंडर जब हमारा जीरो आ जाए तो जो यहां से होती है जिससे हम भाग देते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है, प्लस यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया जीरो। अब जो रिमाइंडर यानी आर बराबर जीरो आ गया तो हमारा एचसीएफ कौन होगा, एचसीएफ वही होगा जिससे हमने भाग दिया था 196, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 867 और 255। तो देखिए इसका जब निकालेंगे तो सबसे पहले बड़ी संख्या 867 और 255 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो देखिए सबसे पहले इधर किसको लिखेंगे, 867 को और इधर 255 को, और फिर देखते हैं रफ कार्य में 255 से जब हम भाग देंगे 867 को तो 255 या 765 और इसको घटाएंगे 7 में 5 गया 2, 102। अब क्या करेंगे, 102 से भाग देंगे किसको, 255 को, यानी 102 से भाग देंगे 255 को। अब यहाँ पर देखिए दो संख्याएं हैं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब लिखेंगे 255 तथा 102 पर यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। अब यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 867 255 जो था तो 255 की गुणा किससे हुई थी, 3 से, तो 3 से हम गुणा कर देंगे और शेष कितना बचा था 102। तो यहाँ पर ये शेष है आर बराबर जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं है, जब जीरो के बराबर नहीं होता तभी सवाल आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 255 बराबर 102। अब देखिए 102 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, दो बार, तो ये आ जाएगा 2 × 4 204। तो अब देखिए 102 गुणे 2 प्लस शेष कितना आया, शेष आया 151 शेष आया, कितना शेष आया प्लस का 51 शेष आया। अब क्या यहाँ पर रिमाइंडर जीरो है, नहीं है, यानी रिमाइंडर जो है जीरो के बराबर नहीं है, जब जीरो के बराबर नहीं इसका मतलब सवाल आगे जाएगा, तो अब 51 से भाग किसको देंगे, 102 को, 102 को। अब यहाँ पर कौन सी संख्या, 51 और 102, तो यहाँ पर लिखेंगे 102 तथा 51 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो इधर लिखेंगे 102 और इधर लिखेंगे 51। अब देखिए 51 से हम भाग देंगे, 51 दो ना 102, पूरा कट गया, 51 के मल्टीपल में कितना है, 2 में, 51 का पहाड़ा दो बार पढ़ा गया है, 51 दो ना। अब बताइए शेष कितना है, यहाँ पर शेष लिखा जाता है तो शेष कितना है हमारा, जीरो। अब यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर जीरो, यानी शेषफल कितना आ गया, जीरो। जब शेषफल जीरो हो जाता है तभी हमारा आंसर आ जाता है, तो एचसीएफ कौन सा है, ये वाला, यानी जहाँ पर इधर भाग देना समाप्त हो जाए वही हमारा एट लास्ट में एचसीएफ होता है, तो यानी एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 51 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है।
तो देखिए हम इसको हल करते हैं। तो हमने लिखा है सबसे पहले a बराबर बी क्यू प्लस आर यू किल्ड परमे। देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर ये यू किल्ड परमे होती है। फिर लिखा है हमने तथा, अब a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है, देखिए b से हम भाग देते हैं, q हमारा भागफल होता है और ये भाज्य होता है और ये शेषफल होता है। ये भाज्य होता है, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। और a बराबर यानी ये जो भाज्य होती है, a बराबर भाज्य जो होता है भाजक तथा भागफल के गुणनफल के तथा प्लस शेषफल के योग के बराबर होते हैं। फिर देखते हैं तथा जीरो बराबर जीरो कैपिटल R, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर इसका मतलब होता है रिमाइंडर जो होता है वो जीरो से बड़ा होता है। और नीचे लिखा है बराबर, ये जो शेषफल होता है या फिर वो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से बराबर होगा। जैसे जब आप किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो या तो फिर शेषफल जीरो आएगा या जीरो से बड़ा होगा। अब इधर इसका मतलब समझिए, आर बी और ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन आर, यहाँ पर बी बड़ा है। अब बी क्या है, जिससे हम भाग देते हैं, ठीक, तो वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा। देखिए रिमाइंडर कितना आ सकता है, जैसे अगर छः जिससे हमने भाग दिया, मान लो छः से भाग दिया, तो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जो शेष होगा या तो फिर जीरो आएगा या एक आएगा, दो तीन चार पाँच, इससे अधिक शेष नहीं आ सकता। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे। माना हम ए से प्रारंभ करके, जहाँ ए एक धनात्मक पॉजिटिव है, जैसे हम इसकी बात करते हैं, पूर्णांक है, तथा बी बराबर छः के साथ विभाजन। अब देखिए हमने बी की जगह छः क्यों लिया, छः इसलिए लिया क्योंकि हमारे सवाल में था छः क्यों छः क्यों छः क्यों, यानी इसकी गुणा करने को वो कहता है, ठीक, यानी भाजक और भागफल की गुणा हो रही है सब में, ठीक, साथ क्योंकि जीरो फिर आर छः सम, ये हमारा पहले से ऑलरेडी ये दिया था। अब यहाँ पर हमको बताना है संभव शेष, जब हम छः से भाग देंगे ए को, तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारा भागफल आ गया क्यों, क्यों मतलब कोई लिमिट नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं दी है, लेकिन इतना ज़रूर है संभव शेष कितना हो सकता है, या फिर जीरो होगा या एक होगा या दो होगा, तीन चार पाँच, ठीक, संभव शेष हमारा एक जीरो एक दो तीन चार पाँच होगा। अर्थात अब हम कह सकते हैं ए बराबर छः क्यों, देखिए छः क्यों कब होगा, ए बराबर छः क्यों यानी इसकी इसकी गुणा होती है, अगर शेषफल जीरो है तो हम लिख सकते हैं ए बराबर छः क्यों प्लस जीरो, यानी जीरो का मतलब नहीं है। अगर शेषफल एक होता, ठीक, तो हम यहाँ पर लिखते इसकी इसकी गुणा फिर शेषफल जोड़ देते हैं, अगर शेषफल दो होता तो इस प्रकार से, तो इसका हम लिखेंगे अर्थात ए बराबर छः क्यों हो सकता है या छः क्यों प्लस वन हो सकता है या छः क्यों प्लस टू हो सकता है या छः क्यों प्लस थ्री हो सकता है या ए बराबर छः क्यों प्लस फोर हो सकता है या छः क्यों प्लस फाइव हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, यानी ए बराबर छः क्यों होगा या छः क्यों प्लस वन होगा, ठीक, छः क्यों पहले जीरो छः क्यों प्लस वन, ठीक। अब देखिए अच्छे से समझिए, अब हम देखते हैं क्या, अब हमारे पास पद हैं एक दो तीन चार पाँच छः पद हैं। अब आपको इसमें कुछ सम है और कुछ विषम है, लेकिन हमसे बात कर रहा था धनात्मक विषम पूर्णांक जो है छः क्यों प्लस वन छः क्यों प्लस थ्री और छः क्यों प्लस पाँच, यानी हमको छः क्यों प्लस वन यानी ये वाला पूर्णांक और छः क्यों प्लस थ्री ये वाला पूर्णांक और छः क्यों प्लस पाँच ये वाला पूर्णांक, ये बताना है कि हमको क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, बाकी से हमको नहीं मतलब है। तो देखिए यहाँ पर जैसे छः क्यों लिखा है तो हम छः क्यों ले लेते हैं। अब इससे अगर हम आप पूछें कि ये सम है कि विषम, तो देखिए सम क्या होती है जो दो से कट जाए और विषम क्या होती है जो दो से ना कटे। तो देखिए हम इसको दो से जब काटेंगे तो ये तीन क्यों ये आराम से कट गया, इसका मतलब ये क्या है ये सम है। फिर देखते हैं इसको छः क्यों प्लस टू, इसको जब दो से काटेंगे तो देखिए इसमें दो पर कामन मिल जाएगा, थ्री क्यू प्लस टू बटे दो, दो से ये भी यानी कट गया, आंसर कितना आ गया थ्री क्यू प्लस टू, यानी ये भी क्या है हमारा सम है। अब इसकी बात करते हैं छः क्यू प्लस चार की,
दो से भाग देंगे तो दो कॉमन मिल जाएगा, तीन क्यू प्लस टू बटे दो, यानी इससे भी भाग होगा और ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब छः क्यू और छः क्यू प्लस टू और छः क्यू प्लस फोर, ये क्या है हमारा सम है, और ये जो है छः क्यू अर्थात छः क्यू प्लस वन, देखिए ये दो से नहीं कटेगा, और छः क्यू प्लस थ्री और छः क्यू प्लस फाइव, ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए एक संख्या कट रही है लेकिन वो दो से नहीं कट रहा है, तीन से कट रहा है। अगर इसमें तीन कॉमन ले लेते हैं, देखिए तीन से अगर काटना होता हमको इसको तो ऊपर तीन कॉमन मिल जाएगा, तो टू क्यू प्लस वन तीन से कट जाएगा लेकिन दो से नहीं कटेगा। जो संख्या दो से ना कटती वो क्या होती है विषम पूर्णांक, अर्थात छः क्यू प्लस वन, छः क्यू प्लस थ्री, छः क्यू प्लस फाइव धनात्मक विषम पूर्णांक है। प्रश्न नंबर तीन कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों की एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है, यानी समान संख्या में उनको स्तंभों में मार्च करना है, यानी ये नहीं कि पहले में 10 हो फिर दूसरे में 8 हो, यानी समान संख्या में, अगर पहले में 10 है तो सब में 10 ही 10 हो, तो जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, तो अधिकतम उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो यहां पर लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी का 616 और 32 का HCF होगा, HCF होगा। ऐसे सवाल जब भी आ जाए तो आप उसका HCF ही निकाल लेना। तो अब देखिए इसको हम यूकिल्ड प्रमेय से जब ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे यूकिल्ड विभाजन प्रमेय, यूकिल्ड विभाजन प्रमेय। तो यूकिल्ड विभाजन प्रमेय क्या होता है, बड़ी संख्या सबसे पहले यहाँ आगे लिख ली जाती है और छोटी संख्या यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करते हैं रफ कार्य में देखते हैं, 32 से भाग देना 616 को, तो 32 एकम 32, फिर बचा 29, फिर 6 उतारा 32, 9 288, अब बचा 8। जब शेष बचता है तभी आगे संख्या लिखते हैं, तो अब आगे कितना लिखेंगे 32, 8 चक्कू 32। अब आगे जब सवाल यानी 32 का पहाड़ा कितने बार पढ़ा था 19 बार, तो शेष कितना बचा था प्लस का 8, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर बराबर जीरो, यानी रिमाइंडर जो जीरो के बराबर नहीं है, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे 8 जो है रिमाइंडर है ना, तो जीरो के बराबर नहीं है, जब जीरो के बराबर नहीं होता तब सवाल आगे बढ़ता है, यानी अब हम यहाँ पर लिखेंगे 32 बराबर कितना 8, बड़ी संख्या इधर। अब क्या करेंगे 8 का पारा कितनी बार पढ़ा गया है 4 बार, 8 चक्कू 32, शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 0, यानी रिमाइंडर बच गया हमारा 0, जब रिमाइंडर हमारा 0 बच जाता है तो वही हमारा HCF हो जाता है, तो यानी ये जिससे हमने भाग दिया था, यानी HCF कितना आ गया 8, तो हमारा HCF आ गया 8, तो आंसर हो जाएगा अधिकतम समूहों की संख्या, स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या हो जाएगी 8। अब देखते हैं हम प्रैक्टिकली समझते आते हैं आपको, हमारे जो आर्मी बैंड थी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड होते हैं जो लाल कपड़े पहनते हैं, तो देखिए 32 थे तो हमने यहाँ अधिकतम स्तंभ कितने बनाए 8, यानी 8 स्तंभ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। अब 32 थे तो देखो प्रत्येक 8 दुनी 16 8 24 8 32, यानी ये हमारे 8 × 4, यानी 4 4 प्रत्येक के पीछे खड़े होंगे और 8 चक्कू 32, ये हमारे आर्मी बैंड वाले हैं। फिर बात करते हैं 616, तो ये इसमें क्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये भी खड़े होंगे, 8 लाइनें तो 8 ही 8 खड़े होंगे। अब इसमें कितने खड़े होंगे, तो इसमें 77 लोग खड़े हैं, इसमें कितने लोग खड़े हैं 77 लोग, यानी
8 से 56 और 8 से 56 और 5 यानी 616। ठीक, ये कौन है? आर्मी वाले। ठीक, इस प्रकार से आप खड़े होंगे, यानी अधिकतम स्तंभ जो बनेंगे यानी लाइनें जो हमारी ये बनेंगी, ये हमारी 8 ही लाइनें बनेंगी। ठीक, इस प्रकार से आप हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी किसी भी पूर्णांक का वर्ग जो होता है, किसी पूर्णांक यम के लिए 3m, 3m मतलब है 3 गुना। देखिए, यम के लिए मतलब किसी संख्या का 3 गुना या किसी संख्या के 3 गुने से 1 अधिक होता है, यानी किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है, किसी संख्या का 3 गुना या 3 गुने से 1 अधिक होता है। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो वो क्या होता है? 1 का 3 गुना 3 होता है, उससे भी 1 अधिक होता है, 3 गुना से 1 अधिक है। यहाँ पर क्या है? 3 गुना से भी 1 अधिक है। फिर देखते हैं 3 का स्क्वायर, जब देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, तो इसका कितना है? 3 गुना। 4 का स्क्वायर कितना है? 16, तो ये 16 क्या है? देखिए 5 का 3 गुना कितना होता है? 15, उससे भी 1 अधिक है, यानी 5 के 3 गुने से भी 1 अधिक है। 5 का स्क्वायर 25, 8 × 3 = 24, यानी 8 के 3 गुना से 1 अधिक है। जब 6 का स्क्वायर करते हैं 12 के 3 गुना है, 7 का स्क्वायर करते हैं 16 का 3 गुना, 16 × 3 = 48, उससे भी 1 अधिक है। या तो फिर 3 गुना हो रहा है डायरेक्ट किसी संख्या का, यानी किसी संख्या यानी कोई फिक्स नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ कह रहा है किसी पूर्णांक यम के लिए, तो यहाँ पर क्या बदल रहा है? देखिए 1 है, कहीं 3 है, कहीं 5 है, ये तो जो ही नहीं कि 10 का ही 3 गुना, नहीं, किसी भी पूर्णांक का 3 गुना या 3 गुना से 1 अधिक ही आता है। अब हमको यही बात यहाँ पर सिद्ध करनी है, तो अब हल करते हैं। माना कोई पूर्णांक 6q+1, 6q+2 तथा 6q+3 या कोई भी पूर्णांक लेने पर, यह हमने इसलिए लिया क्योंकि इससे पहले वाले सवाल में यही ऐसे सवाल है हमारा था, तो यहाँ पर लिखा 6q+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है किसी पूर्णांक का वर्ग, तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो देखिए ये हमारा a है और ये b है, तो ये सूत्र होता है a² + b² + 2ab, तो ये कितना हो गया हमारा 6 का स्क्वायर यानी 36q² फिर +1 + 12q। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये 36q² और ये 12q जो है इसको एक पास लिख लेंगे, 36q² + 12q + 1 पीछे। अब इसमें देखिए क्या 3 कॉमन मिल रहा है, 3 जब कॉमन ले लेंगे इसमें इन दोनों में, तो यहाँ पर बचा 12q² और प्लस 12 × 36 होता है 3 × 12 यानी 4q + 1। अब इसका मतलब हमने यहाँ पर बताया था, इस ये जहाँ यम लिख देंगे, जहाँ यम बराबर हो जाएगा 12q² + 4q। अब यह इसका मतलब ये है कि इसका 3 गुना, ये जो संख्या होती है 3 जो गुड़े में होती है, जैसे यहाँ पर देखिए 3 × 8, इसका मतलब 8 का 3 गुना और उसमें भी 1 अधिक, तो यहाँ पर क्या है, ये जो संख्या है इसका 3 गुना, उससे 1 अधिक का ही रूप का आएगा। किसी भी पूर्णांक का वर्ग करें, या तो फिर उस किसी संख्या का 3 गुना होगा या 3 गुना से 1 अधिक होगा, तो कौन सी किसी संख्या यानी ये जो यम बराबर ये आया, तो इसका 3 गुना से 1 अधिक है। अब बात करते हैं इसकी, तो देखिए इसको हम जब लिखेंगे तो ये ए है और ये बी है, तो इसको हम लिखेंगे या हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, a² यानी 6q² है तो इसका खोलने पर कितना आया था? 36q², फिर b² था 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया? 4 प्लस अब 2ab यानी ये 2 फिर a और b तीनों की गुणा हुई, तो यहाँ पर 2 × 12, 12 × 2 = 24, तो यहाँ पर आ गया हमारा डायरेक्ट 24q। अब क्या करते हैं हम, इन तीनों को एक पास रख लेते हैं, देखिए कैसे, जैसे हम इसको तोड़ देंगे 36q² + 24q, ये जो 4 है 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1,
तीन प्लस एक। अब क्या करेंगे, इसमें तीन कॉमन ले लेंगे, इतने में जो तीन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचा 12 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 1 और बाहर एक। अब यहाँ पर लिखेंगे जहाँ m बराबर 12 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 1। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है इसका तीन गुना, उससे भी एक अधिक। अब बात करते हैं 6 क्यू प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखिए इसी प्रकार डायरी लिख देंगे, 6 क्यू है, ये a है, ये b है, तो इसका आ जाएगा 36 क्यू स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 9 प्लस 36 क्यू, ये आ गया। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें तीन कॉमन ले लेंगे ठीक, लेकिन घास सीरियल से लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा 12 क्यू और ये आ जाएगा प्लस का 3। अब देखिए लिखेंगे जहाँ, कितना लिखेंगे, जहाँ m बराबर है 12 क्यू स्क्वायर 12 क्यू और 3। अब इसका मतलब समझिए, इसका जो है इस पूरे का कितने का है, तीन गुना, या तो फिर संख्या तीन गुना होगी, किसी संख्या का वर्ग जो होगा किसी संख्या के तीन गुना या तीन गुना से एक अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मीन्स होता है क्यूब, अगर किसी भी संख्या का क्यूब करते हैं या घन करते हैं तो वह 9m यानी किसी m मतलब कोई संख्या हो सकती है जिसका 9 गुना होगा या जिसके 9 गुने से एक अधिक होगा या जिसके 9 गुने से एक 8 अधिक होगा। अभी इससे पहले जो संख्या था वो सवाल था वर्ग, वहां पर कह रहा था किसी संख्या का जो वर्ग होता है वो तीन गुना होता है या तीन गुना से एक अधिक होता है। यहाँ पर कह रहा है घन, घन या तो फिर 9 गुना होगा या 9 गुना से एक अधिक होगा या 9 गुना से 8 अधिक होगा। देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो जो 7 का 9 गुना है 7 9 63 और उससे भी एक अधिक है, 9 गुना से एक अधिक है। फिर 5 का क्यूब अगर ले लेते हैं, 5 का क्यूब 125, 13 9 117, 13 का 9 गुना और उसमें 8 जोड़ेंगे यानी 9 गुना से 8 अधिक है। 6 का क्यूब 216, 24 9 216 यानी 24 का 9 गुना यानी सीधे 9 गुना। या तो फिर क्यूब जो होगा वो तो फिर 9 गुना होगा या 9 गुना से एक अधिक होगा या 9 गुना से 8 अधिक होगा। देखते हैं कुछ, अब आते हैं प्रश्न पर। माना कोई पूर्णांक 6q 6q+2 6q+3 जिससे हमने पिछले सवाल में लिया था, यहाँ पर भी ले लिया, कोई भी पूर्णांक लेने पर, तो देखिए हम कह रहा है क्यूब क्यूब क्यूब, तो हम सबका क्यूब ही ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये a है और ये b है, तो ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ठीक, फिर a प्लस b, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब कितना होता है 216 क्यू क्यूब 1 प्लस 3 6 18 1 18 यानी 18 क्यू प्लस 6 क्यू प्लस 1। तो अब क्या होगा 216 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 18 6 18 5 90 18 6 108, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 108 क्यू स्क्वायर, फिर 18 क्यू की जब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18 क्यू। अब देखिए यहाँ पर ये जो 1 है इसको अलग लिखो ठीक, और इसमें प्रत्येक में 9 कामन ले लीजिए, तो जब 9 कामन ले लेंगे तो देखिए इसमें 9 2 18 9 4 36 क्यू क्यू प्लस इसमें 9 1 9 9 2 18 12 क्यू स्क्वायर और यहाँ पर 9 2 18 ठीक, प्लस का जो एक हमने लिया था अलग लिखा, मान लो इस यहाँ पर जरा आखिरी में लिख ले ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब लिखेंगे जहाँ यम बराबर, यम क्या है, ये पूरा क्या है यम, जहाँ यम बराबर होगा 24 क्यू क्यूब प्लस 12 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू ठीक। इसका मतलब यह है कि इसका 9 गुना से एक अधिक है। अब बात करते हैं यहाँ पर 6q+2q, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे 6q का क्यूब कितना होता है 216, तो हम डायरेक्ट 216 क्यू क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab, तो 3a 3 6 18 2 9 36, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर लिखेंगे 36 क्यू, फिर 6q+1। अब देखिए ये तो हमारा 216 क्यू, ये तो हमारा इतना रहेगा ही,
216 क्यू क्यू प्लस 8 प्लस अभी 36 की यहाँ पर गुणा करेंगे तो 36 छक्का 216 क्यू स्क्वायर और फिर 36 क्यू। अब क्या करेंगे देखिए इस 8 को हम लास्ट में ला के लिख सकते हैं 216 क्यू क्यू प्लस 216 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब देखिए इसमें कॉमन तो बहुत कुछ है लेकिन हमको दर्शाना क्या है ये 9 वाला मैटर तो हम सिर्फ कॉमन हमेशा 9 ही लेंगे तो जब 9 इसमें कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 216 में 24 क्यू क्यू प्लस फिर यहाँ 216 है तो 9 दून 18 9 चौक 36 24 क्यू स्क्वायर यहाँ पर 9 चौक 36 क्यू प्लस 8 ये शेष। अब यहाँ पर समझिए यहाँ पर लिखेंगे जहाँ यम बराबर कितना है यहाँ पर यम की जगह कौन ले रहा है यानी ये ले रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 24 क्यू क्यूब प्लस 24 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ठीक अब देखिए इस यम का यानी ये हो गया 9 यम प्लस 8 यानी यम का 9 गुना प्लस 8। अब आ जाते हैं इस लास्ट वाले क्वेश्चन पर तो देखिए इसका क्यूब जब करेंगे तो राइट ये कितना हो जाएगा 216 क्यू क्यूब प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 6 तिया 18 18 तिया 54 क्यू। अब इसमें 6 क्यू प्लस 3 अब देखिए यहाँ पर 216 क्यू क्यू प्लस आप ये डिटेल में कर लेना 27 प्लस इसमें जो गुणा करेंगे 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 और 2 32 क्यू फिर अब इस 54 की गुणा होगी 3 में तो कितना हो जाएगा 54 तिया कितना होगा 3 चक्कू 12 3 पचे 15 16 क्यों। अब यहाँ पर स्क्वायर प्लस अब इसमें देखिए 9 पूरे में कॉमन है क्या 9 पूरे में कॉमन मिल जाएगा हमारा तो कॉमन ले लेना 324 162 फिर 27 चाहे तो हम सीरियल से लिख लें ऐसे ही लिखे रहने दें तो जब हम इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 9 कॉमन मिलने पर बचता है 24 क्यू क्यूब यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे 3 यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे 9 त्रुक 27 5 9 छाक 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 नोट 72 क्यू यानी ये। ठीक जहाँ यम बराबर ये होगा आपको पता होना चाहिए बस कि अगर किसी संख्या का घन जो होता है 9 गुना से 8 अधिक होता है 9 गुना से 1 अधिक होता है ठीक या 9 गुना होता है यही हमको सिद्ध करना था। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 द एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें अगर चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।